एक्ट्रेस मंदाना करीमी एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला लिया है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक्टर साजिद खान है। जब से साजिद खान ने बिग बॉस में एंट्री की है तब से ही मंदाना सुर्खियों में छाई हुई है और अब एक इंटरव्यू में मंदाना ने ये बात कही। मंदाना को साजिद का बिग बॉस में आना पसंद नहीं आया क्योंकि इन्होंने भी डायरेक्टर पर मीटू का आरोप लगाया था। एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में मंदाना ने कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं की इज्जत नहीं है इसलिए वो अब बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेंगी। एक इंटरव्यू में मंदाना ने कहा लोगों के लिए जीवन ऐसा बन गया है अगर इससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है और मैं पैसे कमा सकती हूँ तो फिर किसे पड़ी है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ कोई किसी की माँ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। आगे मंदाना ने कहा कि वो अब बॉलीवुड में काम नहीं करेंगी। वो कहती हैं, मैं किसी ऑडिशन के लिए नहीं गई, मैं अब बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं ऐसी इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़ना चाहती हूँ जहाँ महिलाओं के लिए इज्जत ही ना हो। बता दें साल 2018 में मंदाना ने साजिद खान पर आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक उन्हें फिल्म हमशक्ल में रोल ऑफर हुआ था। इसी को लेकर साजिद खान ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया था जहां पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। इस बारे में एक इंटरव्यू में मंदाना करीमी ने कहा था जब वो उनके ऑफिस पहुंची तो उनसे साजिद ने ये कहा कि वो देखना चाहते हैं कि एक्ट्रेस की बॉडी फिल्म के रोल के हिसाब से कितनी फिट है। इस बात से वो तंग रह गई थी और अपने मैनेजर के साथ फौरन वहां से निकल गई थी। मंदाना हाल ही में कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में दिखाई दी थी जहां पर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे। मंदाना ने साल 2016 में बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता से शादी की थी। उन्होंने पहले कोर्ट में शादी की और फिर साल 2017 में हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लिए थे। हालांकि मंदाना की शादी ज्यादा समय तक नहीं चली। उन्होंने अपने पति और उसकी फैमिली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। लॉकअप शो के दौरान मंदाना ने खुलासा किया था कि उसके पति और उसकी फैमिली ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। एक्स पति के बारे में बात करते हुए मंदाना ने बताया था, मेरी 27 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हमने 2.5 साल तक डेट किया और फिर इंगेजमेंट की। हम 7 महीने तक खूबसूरत रिलेशनशिप में रहे और फिर शादी कर ली। फिर हम लंबे समय तक अलग रहे। डाइवोर्स तो अभी हुआ है 2021 में। मैं जितनों को जानती हूँ इन 4 सालों में वो सबके साथ सोया था। अपनी सास के बारे में मंदाना ने कहा था कि शादी से पहले उनकी सास उन्हें फूल और डोनट्स भेजती थी। एक्ट्रेस ने कहा, हम कॉफी, शॉपिंग, पार्टीज और स्पा के लिए भी जाते थे। वो चाहती थी कि मैं कभी भी अकेले बाहर ना जाऊं। अगर मैं अकेले बाहर चली भी जाती तो वो सभी से कॉल करके पूछती थी कि मैं वाकई में उसी जगह पर हूं या नहीं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, शादी के बाद अचानक सब कुछ बदल गया और सिर्फ सलवार कमीज पहनो, मंदिर के सामने बैठो बस। वो मुझे उन दोस्तों से बात नहीं करने देती थी जो सिंगल थी। वो कहती थी कि इससे बुरा असर पड़ता है। आप मंदाना के बॉलीवुड छोड़ने के फैसले पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।